मुझे बेहद खुशी है कि आज यहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए डाइट सेंटर का शिलान्यास किया जा रहा है। जैसा अभी मनीष जी ने और स्पीकर साहब ने आप लोगों को सूचित किया, दिसंबर जनवरी तक शायद ये बनके तैयार हो जाएगा और अगले साल इसमें टीचर्स की एक्चुअल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आज से 4.5 साल पहले आप लोगों ने हम जैसे मामूली लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। हमने जब से जिम्मेदारी संभाली है, रात दिन 24 घंटे पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, दिल्ली को आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब हमने जिम्मेदारी संभाली थी, लगभग सभी क्षेत्रों की काफी बुरा हाल था। बिजली के क्षेत्र का बुरा हाल था, पानी के क्षेत्र का बुरा हाल था, स्वास्थ्य के क्षेत्र का बुरा हाल था, अस्पतालों का, शिक्षा के क्षेत्र का बुरा हाल था। आज चूंकि हम यहां पे डाइट सेंटर के लिए इकट्ठे हुए हैं, मैं केवल शिक्षा के क्षेत्र की चर्चा करना चाहूंगा। जब हमने जिम्मेदारी संभाली 4.5 साल पहले, तो एक तरह से शिक्षा का क्षेत्र पूरी तरह से ध्वस्त था। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, सारी बिल्डिंगें खंडर पड़ी हुई थी, टीचर्स को पढ़ाने के लिए किसी भी तरह का कोई मोटिवेशन नहीं था, लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते थे। प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारे स्कूलों ने मनमानी की हुई थी, मोटे मोटे तौर पे शिक्षा का पूरा ढांचा डगमगाया हुआ था और एक शिक्षा माफिया का कब्जा था पूरे शिक्षा के क्षेत्र के ऊपर। हम लोग सपना लेके आए थे कि हमें चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, शिक्षा को अच्छा करना है, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे गरीब को बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। सपना बहुत बड़ा था, काम बड़ा मुश्किल था, बहुत कुछ करना था। एक दिल के कोने में थोड़ी सी नर्वसनेस थी कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है। जब 70 साल के अंदर इतनी पार्टियां आई वो नहीं कर सकी, तो क्या हम केवल अच्छी नीयत से कर पाएंगे? हमने शुरुआत की, सबसे पहले तो बिल्डिंगों को ठीक करने की कोशिश करी, अंदर गंदगी थी सफाई की व्यवस्था करी, अंदर सिक्योरिटी की व्यवस्था डगमगाई हुई थी उसको ठीक करवाया, टॉयलेट्स खराब थे टॉयलेट्स को ठीक कराया, सफाई कराई, पीने के पानी की व्यवस्था करी और बहुत बड़े स्तर के ऊपर बिल्डिंगों को ठीक करने का, अंदर के वातावरण को ठीक करने का काम शुरू किया। आते ही हम लोगों ने शिक्षा का बजट दुगना कर दिया, जितना पहले हुआ करता था मेरे ख्याल से 5,000 करोड़ होता था, हमने आते ही 10,000 करोड़ कर दिया। लेकिन यह सारा काम बहुत आसान था, बिल्डिंगें बनाना बड़ा आसान है, सफाई करना बड़ा आसान है, सिक्योरिटी गार्ड लगाना बड़ा आसान है। सबसे कठिन था कि टीचर्स को किस तरह से बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मोटिवेट करें। जब तक बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक बिल्डिंग किस काम की? जब तक बच्चों के अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक बाकी सारी चीजें किस काम की? बिरनी तो फिर दिखावा दिखावा हो जाएगा। सबसे चैलेंजिंग काम था कि टीचरों को, हेडमास्टर को, प्रिंसिपल्स को, इनको मोटिवेट कैसे किया जाए। उसके लिए मैं मनीष सिसोदिया जी और उनकी पूरी टीम, जितने ऑफिसर्स हैं, जितने भी शिक्षा व्यवस्था से लोग लगे हुए हैं, सबको बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से एक चीज जो भी मनीष जी ने कहा, उन्होंने बहुत बड़े स्तर के ऊपर ट्रेनिंग की व्यवस्था की। हमारे हेडमास्टर्स जितने हैं उनको विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया,
विदेशों में अभी तक जब भी सरकारें बनती थी मुख्यमंत्री मंत्री और अफसर बड़े बड़े अफसर ही जाया करते थे विदेशों में, कभी भी टीचरों को हेडमास्टर को किसी ने विदेशों में नहीं भेजा ट्रेनिंग करने के लिए। इस बार 4.5 साल के अंदर मैं विदेश नहीं गया, मेरी एक या दो यात्राएं मुश्किल से होंगी 4.5 साल के अंदर, नहीं तो सारे मुख्यमंत्री विदेश में ही बैठे रहते हैं, जीतने के बाद राज्य तो भूल ही जाते हैं। मैं विदेश नहीं गया, मेरे टीचर विदेश गए हैं, मेरे प्रिंसिपल हेडमास्टर विदेश गए, उनको विदेशों में ट्रेनिंग करवाई। जब वो विदेशों से लौट के आए उनके अंदर एक अलग किस्म की ऊर्जा भरी हुई थी, कुछ कर गुजरने की, आगे बच्चों को पढ़ाने की। उनको लगा कि अब हमारा ख्याल रखा जा रहा है, उनको लगा कि उन्हें सम्मान मिल रहा है, उनको इज्जत मिल रही है, किसी ने कोई ऐसी सरकार आई है जिसने हेडमास्टरों की सोची तो सही। उसके बाद जितने टीचर्स थे उनको आईएम अहमदाबाद, आईएम लखनऊ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो देश के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, वहां उनको बहुत शानदार ट्रेनिंग दी गई। कभी किसी टीचर ने सोचा ही नहीं था कि आईएम जैसे इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो ट्रेनिंग करके आएंगे। जब वो ट्रेनिंग करके लौटे उनके अंदर भी एक अजीब ऊर्जा थी, उनके अंदर भी कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। इन टीचर्स ने और इन हेडमास्टर्स ने ट्रेनिंग करके वापस आके पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलाया, इन्होंने आके हमारे बच्चों को खूब अच्छा पढ़ाया और उसी का नतीजा है कि इस बार 94.4% रिजल्ट आए हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। इस किस्म के नतीजे कभी सुनने को ही नहीं मिलते थे कि सरकारी स्कूलों के भी इतने शानदार नतीजे आते हैं। तो जैसा मैंने कहा 4.5 साल पहले जब हम लोगों ने जिम्मेदारी संभाली थी, हमारे अंदर हमारी नीयत अच्छी थी, हमारे अंदर भी कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, लेकिन हमारे अंदर भी एक नर्वसनेस थी कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 4.5 साल के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो काम हुआ है दिल्ली के अंदर ये बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत ही अच्छा है। हम अपनी तारीफ करें वो तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने जो कामयाबी हासिल की है उसकी चर्चा हो रही है। जैसा भी कह रहे थे कि पूरी दुनिया फिनलैंड से सीखती है कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और पूरा भारतवर्ष दिल्ली से सीखता है कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अभी और बहुत काम करना बाकी है, अभी ये यात्रा शुरू हुई है। जो पूरी शिक्षा व्यवस्था दिल्ली की चरमरा गई थी उसने बहुत तेजी से प्रगति और बहुत तेजी से विकास करना चालू किया है। ट्रेन चालू हो गई है, ट्रेन ने 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ ली है, अब इस ट्रेन को 200 किलोमीटर की स्पीड पे ले जाना है। सब लोग तैयार हैं, अफसर भी तैयार हैं, टीचर भी तैयार हैं, हेडमास्टर भी तैयार हैं, बच्चे भी तैयार हैं और मनीष सिसोदिया जी भी तैयार हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों के अंदर दिल्ली को पूरे देश का एक शिक्षा का केंद्र बनाएंगे और दिल्ली के बच्चे, 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं अपने सरकारी स्कूलों में, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग यहां जो बैठे हैं आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते होंगे, लेकिन इन 16 लाख बच्चों का भविष्य अभी तक गड्ढे में था, कोई इनकी तरफ नहीं देखता था। अब मुझे बेहद खुशी है कि ये 16 लाख बच्चे, इनका भविष्य अच्छा होगा, ये बड़े होके अपने माँ बाप की गरीबी दूर करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों यही असली राष्ट्र निर्माण है। दुनिया के अंदर एक भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो डेवलप्ड कंट्री बन गया हो और उसके बच्चे अनपढ़ हो। दुनिया के अंदर एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने प्रगति की हो और उसके अंदर अच्छी शिक्षा ना हो। अगर हमें अपने देश को आगे ले जाना है तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, अपने सारी पॉपुलेशन को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। बिना अच्छी शिक्षा दिए हम देश को कभी आगे नहीं ले जा सकते। मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली ने यह अगुवाई की है और दिल्ली शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश को यह दिशा दिखा रहा है।